अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैट 2015 में लेसन नंबर 80। और आज के इस लेसन में हम 3D मूव, 3D रोटेट, 3D स्केल, ऑर्बिट, फ्री ऑर्बिट एंड कंटिन्यूस ऑर्बिट के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए, अपने ऑब्जेक्ट का स्केल को बढ़ाने के लिए और उसके अलावा ऑर्बिट को चेंज करने के लिए यूज़ की जाती है। कि आपके ऑब्जेक्ट को मुख्तलिफ जो है एक्सेस में दिखाने के लिए आपको यूज़ की जाती है ये कमांड्स। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ओके, ऑटोकैड को ओपन किया। ऑटोकैड को ओपन करने के बाद मैं यहाँ से अपने जो है तो SWR सेमेट्रिक व्यू में जाता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ से मैं कोई रेक्टेंगल या कोई भी चीज़ में बनाता हूँ। तो मैं कौन की शेप एक बनाता हूँ, ओके कौन की शेप बनाई मैंने। अब मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से ड्रॉ कमांड के ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे। और आज हम मॉडिफाई में आप देखते हैं 3D मूव, 3D रोटेट, 3D स्केल और इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ से ऑर्बिट, फ्री ऑर्बिट एंड कंटिन्यूस ऑर्बिट। और यही ऑर्बिट आई थिंक के व्यू में भी है मेरे ख्याल से, व्यू में नहीं है तो मेरे पास ओके जहां कहीं भी है मूव। ओके यहां पे सामने है और पता नहीं कहाँ पे ये ऑर्बिट्स। इसके अलावा जो आपका ऑटोकैड 2007 था उसमें व्यू में भी थे ऑर्बिट और हाँ व्यू में ऑर्बिट उसमें थे और उसके अलावा यही ऑर्बिट आपको शॉर्ट टूल बार में मिल जाते थे। तो यहाँ पे जो है तो ये ऑर्बिट नहीं है लेकिन सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है तो यहाँ से हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे जो है मैं देखता हूँ सरफेस वगैरह में क्या ऑर्बिट है कि नहीं। एंड नहीं यहाँ पे, लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखें कि जब अगर आपके पास ये जो व्यू, ये जो क्यूब है, ये क्यूब अगर आपको सामने नज़र नहीं आ रहा तो आप यहाँ से एक तो नेगेशन बार है क्लिक करेंगे, नेगेशन बार यहाँ पे जो होती है वो होती है तो वो आपको व्यू में अगर नहीं है यहाँ पे तो आप नेगेशन बार यहाँ से ले सकते हैं, सॉरी नेविगेशन बार यहाँ से ले सकते हैं। और उसके अलावा व्यू क्यूबिक आप यहाँ से ले सकते हैं, क्यूब वगैरह भी आप यहाँ से हाइट और अनहाइट कर सकते हैं। और आज के लेसन की तरफ चलते हैं जी। आज के लेसन में हमारे पास मूव है सबसे पहले, तो 3D मूव के लिए मैंने क्लिक किया, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ। अब कह रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कौन सा बेस पॉइंट है जहाँ से आप इसको मूव करना चाह रहे हैं, तो मैं ये इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये वाला पॉइंट है। अच्छा अब एक और चीज़ कि मैं जब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ पे मेरे पास ये पड़ा हुआ है तो मैं यहाँ से इसको मूव कर सकता हूँ नीचे। सॉरी मेरे पास सही क्लिक नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे ये जो डॉट है इस डॉट को मैं यहाँ से पकड़ के इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ मूव कर सकता हूँ अपने व्यू को। और उसके अलावा अब हम अपने ऑब्जेक्ट को किस तरफ मूव करते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और स्पेस प्रेस किया, तो मेरे पास ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, स्पेस प्रेस किया, तो मेरे पास यहाँ पे देखें यहाँ पे व्यू आ गया। अब इस व्यू में हमारे पास जो एरिया है वो क्या क्या है जी आपके पास, मैं वो आपको बताता हूँ। ये आपका जो एरिया है ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है एंड जी एक्सिस है, ये वाला एरिया देख सकते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। मैं एक्स एक्सिस के ऊपर जूं ही अपने कर्सर को लेके जाता हूँ तो मेरे पास, अब मैं जूं ही लेके जाता हूँ, देखिए मेरे पास एक रेड लाइन सामने डिस्प्ले हुई है और मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने का जब मैं इसको मूव करूंगा अपने ऑब्जेक्ट को तो ये देखें एक्स एक्सिस में मूव हो रहा है, देख सकते हैं।
और इसी तरह अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस में मूव करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस बटन पे जो ही क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आगे लेके जाता हूँ पॉइंटर को, तो ये देखें क्लिक करता हूँ तो ब्लू कलर की लाइन है। अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को जब मूव करूँगा तो ये वाई एक्सिस में मूव होगा, देख सकते हैं। और इसी तरह वाई एक्सिस में जब मूव होता है आपका ऑब्जेक्ट, तो आपका ऑब्जेक्ट देखें थोड़ा मतलब आपके सरफेस से ऊपर चला जाता है, तो शिफ्ट को प्रेस करके मैं आपको बताता हूँ। देखें ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे देख सकते हैं सरफेस से कितना ज़्यादा ऊपर है। तो दोबारा नीचे लाने के लिए आप यहाँ पे लेके जाएं, क्लिक करें और अपने ऑब्जेक्ट को दोबारा नीचे रख दें, सरफेस पे ले आएं। ये लें जी सरफेस पे आ गया। ओके ओके ये आपके सरफेस पे आ गया। अब इसी तरह एक्स एक्सिस में लेके जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ग्रीन कलर की लाइन आपको नज़र आ रही होगी, और यहाँ पे मैंने जब क्लिक किया तो ये मेरे पास देख सकते हैं वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हैं, तो ये वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो ये एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा, मूव होगा, और जेड एक्सिस की तरफ लेके जाते हो अपने ऑब्जेक्ट को, तो आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करके आप जेड एक्सिस में लेके जा सकते हो। तो ये जी थ्री मूव कमांड है। अब इसमें स्पेसिफिक डिस्टेंस भी आप दे सकते हो कि आपने कितना मूव करना है अपने ऑब्जेक्ट को, तो सिलेक्ट करो अपने ऑब्जेक्ट को, और डिस्प्लेसमेंट आपने देना है तो डिस्प्लेसमेंट दे सकते हो, क्लिक करो अपने ऑब्जेक्ट को और यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफाई मूव पॉइंट, आपने कितना मूव करना है पॉइंट को। तो मूव के लिए यहाँ पे देखें बेस भी दिया हुआ है, बेस पॉइंट भी दिया हुआ है, कॉपी भी दिया हुआ है और एग्जिट भी दिया हुआ है। तो बेस पॉइंट के लिए आप खुद अपनी मर्जी से देंगे बेस पॉइंट, और अगर कॉपी करना चाह रहे हैं इसी ऑब्जेक्ट को तो कॉपी कर सकते हैं। तो बेस पॉइंट के लिए बी एंटर करता हूँ मैं, और कितना बेस पॉइंट भी मैं लेके जाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ब्लॉक हमारे पास सामने आ गया क्योंकि बेस पॉइंट के लिए बी नहीं जो हमारा था, बताता हूँ मैं आपको कौन सा ऑप्शन था। बेस पॉइंट के लिए बी, ओके आप देखें बेस पॉइंट आ गया। अब कह रहे हैं स्पेसिफाई बेस पॉइंट, कितना बेस पॉइंट देना चाह रहे हैं आप, तो मैं सोच चाहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2 के फासले पे, एंटर करता हूँ, तो देखें 2 के फासले में हमारे पास बेस पॉइंट में ये मूव हो गया, देख सकते हैं। और अब इसी तरह अगर आप इसको जेड एक्स एक्सिस में लेके जाना चाह रहे हैं तो अब मैं बेस पॉइंट नहीं देता, मैं इसको कॉपी करना चाह रहा हूँ तो कॉपी के लिए सी एंटर करता हूँ, और कितना मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ 4 के फासले पर कॉपी करना चाह रहा हूँ। अब देखें मेरे पास ऑब्जेक्ट एक तो कॉपी भी हो गया और दूसरा मूव भी हो गया, देख सकते हैं। तो ये दो काम इसमें होंगे जी कॉपी के लिए। और इसी तरह मैं अगर तीसरा पॉइंट में लेता हूँ जी साइड, दूसरी साइड तीसरी साइड पे क्लिक करता हूँ, आप देखें यहाँ पे मैं इसको मूव करता हूँ तो मूव हो रहा है, क्लिक करें और इसको मूव करके जिस पॉइंट में रखेंगे उस पॉइंट में आ जाएगा। और अब मैं तीसरा पॉइंट इसको ले दे रहा हूँ, इस साइड पे मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ, और तीसरे में जी अंडू है, एग्जिट है। अंडू का मतलब ये है कि अगर आपने गलती से आपने अपने एक्स वाई जेड एक्सेस आपने उठाना था लेकिन आप एक्स एक्सेस ले आए हैं, तो आप उसके लिए अंडू यू एंटर करें, वापस अपनी जगह पे पहुंच चला जाएगा, और एग्जिट के लिए एक्स एंटर करें तो अपनी कुमार से बाहर आ जाएंगे, देख सकते हैं। और अपने पॉइंट पे मूव करने के लिए आप कॉपी कर सकते हैं और बेस पॉइंट, और आप डायरेक्ट भी डिस्टेंस देना चाहें दे सकते हैं, तो मैं इसे 2 का डिस्टेंस देता हूँ, एंटर करता हूँ, देखें 2 के डिस्टेंस में हमारे पास ऊपर चला गया, और ये देख सकते हैं आप शिफ्ट देख सकते हैं आपके सरफेस से ये काफ़ी ऊपर है, देख रहे हैं सरफेस से काफ़ी ऊपर चला गया है। तो ये था जी आपका मूव कमांड के ऊपर डिस्कस किया हमने। अब नेक्स्ट है 3D रोटेट कमांड्स। तो 3D रोटेट कमांड के लिए मैं एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, बॉक्स ड्रॉ किया, और अब मैं 3D रोटेट कमांड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, ये 3D रोटेट कमांड आ गई। अब इस 3D रोटेट कमांड में आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये जो मेरा एरिया है ये मेरे पास एक्स एक्सेस है, रेड कलर जो एक्स एक्सेस के, यहाँ पे देखिए रेड एक्स एक्सेस है, ब्लू जेड है और ग्रीन वाई एक्सेस है। ये वाला जो ये एरिया जो इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाई एक्सेस है, और अगर इसी तरह मैं यहाँ पे ब्लू के ऊपर रखता हूँ तो ये जेड एक्सेस है, देख सकते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल जेड एक्सेस पे इसको मूव करना है, या फिर मैं इसको चाहता हूँ जी ये मेरे पास जो है तो एक्स एक्सेस में मूव ऑब्जेक्ट, तो मैं एक्स एक्सेस पे क्लिक करता हूँ,
अब मुझसे कह रहा है कि स्पेसिफाई रोटेशन एंगल कितना देना है, यहाँ से इस पॉइंट से कितना रोटेशन देना है, तो आप रोटेशन भी दे सकते हैं, तो डायरेक्ट रोटेशन दे सकते हैं, उसके अलावा अपने ऑब्जेक्ट को अपने अगर रोटेट करना है तो रोटेट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे रोटेशन का आपको बता भी रहे हैं। तो मैं जितना क्लिक करूँगा, मैं 180 पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 180 ये रोटेट हो जाता है आपका ऑब्जेक्ट। और इसी तरह मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं दोबारा आपको बताता हूँ, तो यहाँ से उठा के मैं नीचे थोड़ा सा ले आता हूँ, इस पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है पिक पॉइंट कह रहा है, मैंने आप यहाँ से पहले तो मैं ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ, मैं जेड एक्सेस में इसको मूव करना चाह रहा हूँ या फिर एक्स एक्सेस में मूव करना चाह रहा हूँ, जिस एक्सेस में मूव करना चाह रहा हूँ। मूव करने के बाद देखें आप इसको मूव करेंगे, आपको कह रहा है रोटेशन पॉइंट के लिए स्पेसिफाई रोटेशन और बेस पॉइंट के, बेस पॉइंट पे क्लिक करें या फिर रोटेशन आप दें, तो यहाँ पे देखें तो मेरे ऑब्जेक्ट देखिएगा यहाँ से, ये देखें आप रोटेट हो रहे हैं, F8 प्रेस करता हूँ ताकि इजीली आपको नज़र आए रोटेट होता हुआ, देखें यहाँ से आप देखें रोटेट हो रहा है और एंगल भी आपको नज़र आ रहा होगा कौन से एंगल पे रोटेट हो रहा है। ओके, तो मैंने इस एंगल में रोटेट करना है तो मैं यहाँ पे 211 या मैं यहाँ से डायरेक्ट आप एंगल दे सकते हैं, तो मैं 210 देता हूँ फॉर एग्जांपल, एंटर करता हूँ तो ये 210 के एंगल पे हमारे पास रोटेट हो गया। इसी तरह अगर और किसी पोजीशन में रोटेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से क्लिक करें और अपने ऑब्जेक्ट को देखें, इस पॉइंट में रोटेट कर सकते हैं, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी तरीके रोटेशन के लिए। उसके अलावा अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं यहाँ पे जो जिस तरह मैं रोटेट करता हूँ, टॉप पोजीशन है मेरे पास और मेरे पास एक सर्कल है, सी एंटर करता हूँ मैं, ओके। अब मैं यहाँ से जो है तो वर्ड और आइसोमेट्रिक व्यू में आता हूँ, अब मैं इस एंगल को रोटेट करना चाह रहा हूँ, इस सर्कल को रोटेट करने के लिए मैं यहाँ पे आर ओ एंटर करता था, या 3D रोटेट के लिए आप 3D रोटेट भी कर सकते हैं, और मैं आर ओ रोटेट पे मैंने क्लिक किया, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, स्पेस प्रेस किया, मैंने इस एंगल से अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, और कितना रोटेट करना है, रोटेट 3D, सॉरी आर ओ रोटेट 3D, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, स्पेस, और यहाँ से मैंने रोटेट करना है इसको 90 डिग्री पे, तो आप देख सकते हैं ये 90 पे रोटेट हो गया, देख सकते हैं, तो जिस साइड से भी आपने रोटेट करना है अपने एंगल को तो आप रोटेट कर सकते हैं, तो इसके लिए भी आप आर ओ रोटेट 3D पे क्लिक करें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस, मैं अब इस पॉइंट में इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, F8 प्रेस करता हूँ ताकि पॉइंट मेरा स्ट्रेट हो, इस पॉइंट में मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ और 90 लिखता हूँ यहाँ पे, एंगल कितना, स्पेसिफाई रोटेशन एंगल 90 देता हूँ, तो देखिए 90 पे मेरे पास रोटेट हो गया। तो जिस साइड पे भी आपने रोटेट करना हो आप यहाँ से इस तरह रोटेट कर सकते हैं, तो ये एक और तरीका मैंने आपको बता दिया रोटेशन का। उसके बाद आपके पास 3D स्केल, 3D स्केल का फंक्शन ये होता है, अगर मैंने पर फॉर एग्जाम्पल बॉक्स बनाया हुआ है, इस बॉक्स का मैं साइज बढ़ाना चाह रहा हूँ चारों साइडों से या किसी भी एक साइड से, तो आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ से स्केल इसका मैं दे सकता हूँ, 3D स्केल पे क्लिक करता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, स्पेस, और अब यहाँ से जिस साइड पे मैं बढ़ाना चाहूँ देखें बढ़ रहा है मेरा साइज, तो मेरे पास अभी जो ये बढ़ेगा ये मेरे पास कौन सा यहाँ से ये एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस भी बढ़ेगा, तो मैं जेड एक्सेस बढ़ाना चाह रहा हूँ, जेड एक्सेस बढ़ेगा, देख सकते हैं, तो आप अपने ऑब्जेक्ट का स्केल भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं, अब स्केल को आप स्पेसिफाई स्केल आप दे सकते हैं, मैं चाहता हूँ यहाँ पे 10 तक मेरे पास बढ़ जाए, एंटर करता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हो गया जी, देख सकते हैं, तो आप यहाँ से अपनी मर्जी इसको स्केल भी बढ़ा सकते हैं इसका। नेक्स्ट जो कमांड है आपके पास स्केल तक हो गया, ऑर्बिट, फ्री ऑर्बिट एंड कंटिन्यूस ऑर्बिट, तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं।
तो मैं एक यहां से बॉक्स ड्रॉ करता हूं। ऑर्बिट, सबसे पहले ऑर्बिट है, ऑर्बिट आपका ये सामने आपका ऑर्बिट ही होता है, फर्स्ट जो होता है हमारे पास ऑर्बिट होता है। ऑर्बिट पे क्लिक करें और अपने ऑब्जेक्ट को आप मूव कर सकते हैं, देखें चारों साइड से मूव कर सकते हैं आप अपने ऑब्जेक्ट को, टॉप से बॉटम से माउस की क्लिक को प्रेस करके। दूसरा तरीका ये कि जब आप काम कर रहे होते हैं, काम करते आप साथ साथ काम कर रहे हो, साथ साथ में अपने ऑर्बिट के थ्रू मूव करना है, तो उसके लिए आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें और साथ में आपका माउस का जो स्क्रॉल का बटन होता है उसको प्रेस करके आप इसको मूव करें, तब भी हमारे पास ये ऑर्बिट काम करेगा। नेक्स्ट जो मेथड है आपका, नेक्स्ट जो ऑर्बिट है वो आपके पास है जी, नेक्स्ट जो ऑर्बिट है वो है फ्री ऑर्बिट का ऑप्शन है, तो फ्री ऑर्बिट के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, फ्री ऑर्बिट पे क्लिक करें तो एक सर्कल से इस तरह बना हुआ आएगा, इसको आप यहाँ से इस साइड पे मूव करें, इस साइड पे होगा, इस साइड पे मूव करें, इस साइड पे होगा, आपको जिस साइड पे आपने मूव करना है आपको उस साइड पे मूव होगा। नेक्स्ट यहाँ से आप ऑर्बिट को देखें तो यहाँ से भी आपका ये ऑर्बिट ये चेंज हो रहा है बॉक्स। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो कंटिन्यूज ऑर्बिट, तो कंटिन्यूज ऑर्बिट का फंक्शन क्या होता है वो बताता हूँ, उससे पहले मैं यहाँ से इस ऑर्बिट को ख़त्म करता हूँ और इसको अपनी नॉर्मल पोजिशन पे लेके आता हूँ। और अब है कंटिन्यूज ऑर्बिट, तो कंटिन्यूज ऑर्बिट जो होता है वो कंटिन्यूज चलता रहता है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव करता हूँ तो देखें ये कंटिन्यूज आपका ऑब्जेक्ट चलता रहेगा। स्केप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो तभी अपनी नॉर्मल पोजिशन पे आ जाएगा, स्केप प्रेस किया मैंने और मैं यहाँ से इसे अपनी नॉर्मल पोजिशन में लाता हूँ। और मैं इसको जब 3D ऑर्बिट में जब इसे मूव कर रहा हूँ कंटिन्यूज ऑर्बिट में, तो मैं इस साइड पे इसको मूव करूँगा, इस साइड पे देखें ये साइड पे मूव हो रहा है, जितना ज़्यादा आप देंगे, आप जितना ज़्यादा इसको मूव करेंगे उतना मूव होगा जल्दी, देखें ज़रा, तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो ये तीसरा ऑर्बिट था, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। और यही ऑर्बिट आप यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, देखें मैं फ्रंट है, फ्रंट लाना चाह रहा हूँ, देखें क्लिक करें फ्रंट है, मैं टॉप को सामने लाना चाह रहा हूँ, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे टॉप सामने आ जाएगा, देख सकते हैं राइट फ्रंट राइट जो भी आप लाना चाहें आप ला सकते हैं, मैं राइट साइड को सामने लाना चाह रहा हूँ तो राइट साइड सामने आ जाएगी, टॉप को लाना चाह रहा हूँ टॉप सामने आ जाएगा, मैं बॉटम को सामने लाना चाह रहा हूँ तो बॉटम को भी ला सकते हैं, देखिएगा ये बॉटम है मेरे पास अभी सामने, देख सकते हैं राइट साइड आ गई, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।